एंड वेलकम टू नेहा शर्मा ब्लॉग। आज मैं आ चुकी हूँ लखनऊ के इमामबाड़े में, तो आज मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ लखनऊ का इमामबाड़ा। उसके बाद जाऊँगी मैं अंदर भूलभुलैया, और अगर वहाँ पे कैमरा अलाउ होगा तो मैं आपको भूलभुलैया भी अंदर से पूरा दिखाऊँगी। चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब आपको ये 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और आराम से आप कैब या ऑटो से यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँगी यहाँ की कुछ दिलचस्प बातें। बड़े इमामबाड़े का निर्माण लखनऊ के नवाब वज़ीर आसफ़ुद्दौला द्वारा सन 1784 में करवाया गया था। उस समय लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था। अभी विंटर्स पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितने सारे स्कूल्स के तो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। इन बच्चों को देख के मुझे भी अपना स्कूल डेज याद आ गया, जब हम लोग भी कभी स्कूल से टीचर्स के साथ आया करते थे, बच्चों के साथ, अपने क्लास के साथ। क्या चीज़? ओके, आ जाओ। पहले शूज रिमूव करने पड़ेंगे, बिना शूज रिमूव किए आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो और बहुत तेज से लगी है, तो सोच रहा है क्यों ना खाने के लिए कुछ ले ले बाहर से। क्या ले ले? तो मैंने शॉप से, पीछे वाली शॉप से, ये कोल्ड ड्रिंक खरीद ली है। चिप्स नहीं लिया क्योंकि मैं चिप्स खाती नहीं हूँ, तो अब इसी के साथ साथ बना। तो यहाँ पर हमने अपने शूज उतार के टोकन ले लिया है। तो यहाँ से होती है भूलभुलैया की एंट्री। स्टार्टिंग में ये कुल 45 सीढ़ियाँ हैं जहाँ से होते हुए हम लोग को ऊपर जाना है। भाई मैं तो यहाँ बिना गाइड के ऊपर जा रही हूँ, लेकिन आप जब भी आए यहाँ पे तो बिना गाइड के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे रास्ता भूल जाएं। ओ गॉड, अभी तक सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो अभी मैं भूलभुलैया में ऊपर आ चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। भाई भूल भुलैया रास्तों का ऐसा जाल है जो यहाँ आने वाले लोगों को एकदम कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चारों ओर 4 रास्ते हैं, जिसमें 3 गलत 1 सही है, और वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ये जो आप यहाँ पे गलियारे देख रहे हैं, इनकी दीवारें इस तरह से बनाई गई है कि अगर आप इस पे कान लगा के सुनोगे तो दूसरे साइड की आवाज़ आपको एकदम क्लियर सुनाई देगी। रास्ते 4 हैं, 3 भूल 1 सही। अभी चलते चलते काफी थक गई हूँ, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, फिर आगे देखती हूँ। भाई मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता मिला, मैं तो यहीं से निकल जा रही हूँ। इस भूलभुलैया में अंदर ऐसी ऐसी सुरंगें हैं जो दिल्ली, फैज़ाबाद, इलाहाबाद को निकलती है, लेकिन ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों को शाही खजाना ना मिलने के कारण उन्होंने ये सुरंगें सील कर दी हैं, तो तब से ये सुरंगें अभी सील हैं। ये भूलभुलैया करीब 200 साल पुरानी, और इसकी हर दीवार उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंघाड़े के आटे और शहद को मिलाकर बनाई गई है। सोचिए कैसे उस टाइम पे कैसी कैसी टेक्निक हुआ करती थी कि इस तरह से दीवारें बनाई गई, इस तरह से ये इमारत खड़ी की गई है।
ये देखिए यहाँ से इमामबाड़े का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आ गए हैं हम इमामबाड़ा की टेरेस पे, से यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा लखनऊ नज़र आएगा। तो फाइनली 2 से 3 घंटे घूमने के बाद हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अब पता है आपको कि यहाँ पे अगर कोई बंदा रास्ता भटक जाता है तो सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत उसे ढूंढ के बाहर निकाला जाता है लास्ट में। अभी मैं भूल भुलैया से बाहर आ चुकी हूँ और कस्टम से इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे इस स्टेयर से ऊपर से नीचे आने में मुझे आधा घंटा लग गया। बहुत गंदी भीड़ थी, इतने सारे तो आज स्कूल से आए हुए हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है समय। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। यहाँ से मैं आर्ट गैलरी आप लोगों को दिखाना चाहती थी, मैंने टिकट भी ले रखे हैं, बट अब शाम को 5 बजने वाला है, इतना टाइम हो गया है तो अब मैं वहाँ पे तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि 5 बजे इमामबाड़ा बंद जाता है और ये ऑलमोस्ट 5 बजने वाली है। तो कभी नेक्स्ट मैं कभी यहाँ पर आऊँगी तो वहाँ का वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं।